हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। आज हम EX1011 हाइड्रोलिक मोटर ओवरलोड अलार्म सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये अलार्म हाइड्रोलिक मोटर की MCV ट्रिप हो जाने के कारण होती है, इसलिए हम सबसे पहले पैनल चेक करेंगे। ये देखिए, हमने पैनल को खोल दिया है। पैनल चेक करने पे साइड में 501 नंबर की हाइड्रोलिक मोटर ओवरलोड की MCV रहती है, जो कि देखिए ट्रिप हो गई थी, तो मैंने इसको फिर से ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद जैसे आप रिसेट और CNC ऑन बटन प्रेस करेंगे तो मशीन हमारी रेडी नहीं होगी, क्योंकि जब भी कोई MCV ट्रिप होती है तो इसके लिए पैनल साइड से मेन सप्लाई बंद करनी पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले मशीन को स्टेबलाइजर साइड से ऑफ बंद करेंगे। बंद करने के बाद फिर से चालू करेंगे, तो जब जैसे ही चालू हो जाएगी मशीन तो ये ऑलरेडी जो अलार्म आ रहा था वो रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, मशीन हमारी ऑन हो रही है। ऑन होने के बाद जैसे ही हम रिसेट बटन प्रेस करेंगे, मशीन ऑन बटन प्रेस करेंगे, तो हमारा अलार्म ऑलरेडी रिमूव रहेगा। ये देखिए, मशीन हमारी रेडी हो रही है। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये देखिए, हम जैसे ही MC ऑन बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ये जो इमरजेंसी का अलार्म आ रहा वो भी रिमूव हो जाएगा और मशीन हमारी प्रॉपर वर्किंग के लिए रेडी हो जाएगी। मशीन ऑन करते ही जो हाइड्रोलिक मोटर ओवरलोड का अलार्म आ रहा था वो ऑलरेडी रिमूव हो गया है, क्योंकि हमने MCV जो ट्रिप हो गई थी उसको ऑन कर दिया है। ये देखिए, मशीन हमारी प्रॉपर रेडी हो गई, कोई भी अलार्म नहीं आ रहा है अभी हमारे पे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये देखिए, अभी हम ऑटो में करके आप लोगों को मशीन चालू करके भी दिखाएंगे। ये देखिए, हमने साइकिल ऑन किया है, साइकिल स्टार्ट किया, मशीन हमारी ये वर्किंग के लिए प्रॉपर रेडी हो गई है। ये देखिए, प्रॉपर हमारी मशीन रेडी हो गई है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।